أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. जिनका कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार में नुकसान हो रहा है, कारोबार में कामयाबी चाहते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, कारोबार में अरूज के लिए, कारोबार में कामयाबी के लिए आपको वजीफा बता रहा हूँ। इस वजीफे को जिद के दिल और यकीन के साथ कर लें। अमल शुरू करने से पहले अपनी हैसियत के मुताबिक सदका और खैरात लाजमी करें। अमल के ख़त्म हो जाने के बाद सदका और खैरात करना अमल के असरात में तेज़ी लाता है, रिजल्ट जल्दी ज़ाहिर होते हैं। अमल का तरीका ये है, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए जिनका कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार में नुकसान हो रहा है, कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा, दुकान पर कस्टमर नहीं आते, सेल नहीं होती, वो अपने कारोबार को आगे ले जाना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, कारोबार में कामयाबी चाहते हैं। चांद के शुरू में जो पहली जुमेरात आए, उस जुमेरात की सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह बैठे रहें और 300 बार अल्लाह पाक का मुबारक नाम, या वहाब हो या अल्लाह, या वहाब हो या अल्लाह, या वहाब हो या अल्लाह, कामिल यकसोई के साथ अपने मकसद को जेहन में रखते हुए पढ़ना शुरू कर दें। अमल ख़त्म होने के बाद अल्लाह के हजूर दुआ मांग लें कि अल्लाह पाक, मैं तेरा नाचीज बंदा, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरा कारोबार तरक्की नहीं कर रहा, कारोबार नहीं बढ़ रहा, अपने ख़जानों से अता कर दे, गैब से अता कर दे, मेरे कारोबार को बढ़ा दे, मेरे कारोबार को अरूज दे दे। आपने इसी तरह मगरब की नमाज के बाद भी 300 बार अल्लाह पाक का यही मुबारक नाम, या वहाब हो या अल्लाह पढ़ना है और इसी तरह ही दुआ मांगनी है। इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, इंशाल्लाह आपको कारोबार में ना तो नुकसान होगा, ना कारोबार में कमी होगी, ना ही सेल में कमी होगी, आपका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा और कारोबार में खैर व बरकत भी होगी। इस अमल को करके देखें, आप दुआएं देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर मुनासिब समझें तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी दुआ है कि खिलते फूलों की तरह सदा हंसते मुस्कुराते रहें।